Zubair, seriously? सर्दू के अंदर कोल्ड डेजर्ट पे, और अभी आधी रात हो रही है और आपका भाई इतनी रात को सिर्फ यहाँ पे बैठ के पता है क्या कर रहा है? कोई भी नहीं है इधर, कोई बंदा नहीं है, मैं अकेला बैठा हूँ इधर। अकेला नहीं हूँ, मेरी मिसेज मेरे साथ है। सही है, तो हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे इतनी रात को अकेले जंगल के अंदर बैठ के सिर्फ गैलेक्सी का वेट कर रहे हैं कि ये गैलेक्सी आए। मतलब गैलेक्सी आया हुआ है, लेकिन जो ह्यूज टाइम का गैलेक्सी होगा ना, एक ह्यूज किस्म का गैलेक्सी, तो हमने उसको कैप्चर करना है। और आप यकीन करें कि हम ऐसी लोकेशन पर कोल्ड डेजर्ट में इतने ऊपर चढ़ के बैठे हैं कि हम चढ़ तो गए, अब हमें नहीं पता कि नीचे कैसे उतरेंगे। सो गाइज, ये है जिस जगह पे हमने स्टे किया है, तीन प्यारी सी कुर्सियां और बॉनफायर की जगह। और अब मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा ये क्लैंप जिसके अंदर हमने स्टे किया है, और ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल का है। और इसकी जो वीडियोस हैं हम आपको सुबह दिखाएंगे। फिलहाल हमने गैलेक्सी कैप्चर करना है, तो हम रात जागेंगे सिर्फ गैलेक्सी के लिए। गैलेक्सी के बाद जो है हम आपको सुबह का जो व्यूज़ दिखाएंगे, वो व्यूज़ होगा बिल्कुल लाइक हेयर। इधर ये जो सामने व्यूज़ होगा ना, इस ये व्यूज़ ऐसा है कि यहाँ पे पहाड़ 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 पहाड़, और नीचे सारा ये नीचे सारी वैली है, रिवर है, वैली है। तो कल आपको इंशाल्लाह ये भी दिखाएंगे मॉर्निंग में, बिकॉज़ हमने आज रात यहाँ स्टे करना था, तो इसलिए जो है हम फ़िलहाल गैलेक्सी के लिए जाग रहे हैं। और जिनके पास हैं उनका नाम है लाइक दिस ग्लैम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय एमजेड की व्लॉग्स। और आज का जो व्लॉग्स है वो बहुत ही ब्यूटीफुल व्लॉग होने वाला है, बिकॉज़ कल रात से मैं जाग रहा हूँ। और रात जागने का जो सिर्फ रीज़न था, वो रीज़न ये था कि मुझे एक तो गैलेक्सी कैप्चर करना था, और कुछ मैंने जो है ना वीडियोज़ बनाई हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी, जिसके लिए मुझे पूरी रात जागना पड़ा। और उसके अलावा फिर जो है मतलब बहुत प्यारी लोकेशन पे हूँ, लोकेशन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन लोकेशन है। और उससे भी बेहतरीन लोकेशन जो मैं आपको भी दिखाऊंगा ना, वो लोकेशन है ये जो मेरे पीछे क्लैम बना हुआ है, ग्लैम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में एक ऐसी सर्विसेज लेकर आए हैं जो कि K2 में अवेलेबल है, देवसाई पे अवेलेबल है, कोल्ड डेजर्ट पे अवेलेबल है, और इनके चार्जेस अच्छे हो रहे हैं। एक लग्जरी स्टैंडर्ड किस्म का जो है ना ये ग्लैम पे, तो आए आपको ये ग्लैम विजिट करवाते हैं। ये ग्लैम आपको बहुत अच्छा लगेगा, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा गाइस, लेकिन ये अंदर से भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे रात गुजारना, रियली सो ब्यूटीफुल व्यूज। सो आए आपको दिखाएं कुछ नज़ारे अंदर के। सो गाइज, ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये है छोटा सा गार्डन। और इस लाइक गार्डन मींस के इसमें जो है गार्डन ही है यार, यहाँ पे इसको गार्डन ही बोलेंगे। तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल 3 चेयर्स हैं, और ये इस कंपनी का नाम है। और ये जो है बॉनफायर के लिए इन्होंने जगह दी हुई है कि यहाँ पे आप बॉनफायर कर सकते हैं। और ये बहुत ब्यूटीफुल सा एरिया आप देख सकते हैं, ये देखें। उसके बाद ये इसकी एंट्रेंस है, एंट्रेंस कुछ ऐसी है कि ये पूरा लुक, ये पूरा वुडन का जो है ना डोर है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसका नाम है डॉम, ये है डॉम। तो आए आपको आज डॉम विजिट कराएं। तो ये इसकी एंट्रेंस है गाइस, ये इसकी एंट्रेंस है। और सबसे पहले हम जाते हैं वॉशरूम में, तो क्योंकि कहीं भी आओ तो गाइस वॉशरूम जरूर चेक करो। तो ये इसका वॉशरूम है, ये आप देखें बिल्कुल साफ सुथरा, और एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो है चीज़ें इसमें लगी हुई हैं जो आप देख सकते हैं। ये शावर एरिया, ये शावर एरिया है पूरा, और इस शावर एरिया में जो है ये शावर लगा हुआ है। देन ये
पत्थर लगे हुए हैं, और इसमें जो है यहाँ आप ऊपर देखें तो आप ऊपर आपको आसमान भी क्लियर नज़र आएगा। सो यहाँ से वॉशरूम से निकलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं रूम। तो रूम में जाने के लिए एक तो सबसे पहले ये लाइट्स जलाते हैं, ये लाइट जल गई। तो ये रूम में जाने के लिए देखें कितना ब्यूटीफुल व्यूज रूम के हैं। सो ये ब्यूटीफुल व्यूज जो आप देख रहे हैं, ये दरवाज़ा हो गया, यहाँ से स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं एक लग्जरी से सोफे, और आप सबसे पहले देखें व्यू, वाओ। इसके बाद ये लग्जरी से सोफे, और सामने जो है वर्किंग टेबल, स्टडी भी कर सकते हैं, बैठ के लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। ये नीचे दो कुशन दिए हुए हैं, और ये बेड है, ये फैन लगा हुआ है, ये एसी लगा हुआ है, साथ में कबर्ड है, और इसकी जो रूफ है वो आप ये देख सकते हैं, लाइक दिस एंड आई लाइक दिस। सो ये तो हमने कर लिया विजिट। तो फिर गाइस कैसा लगा? सो ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के अंदर आई हैं, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि गाइस देखिए बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में फॉरेनर्स जो है अब बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये चीज़ें फॉरेनर्स के लिए भी बनाई गई हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी बनी हैं। पाकिस्तानी भाई कभी भी ट्रैवल करने आए और ट्रैवल करें, इस्कर्दू आए, इस्कर्दू में आके यार इस जगह को ज़रूर यूज़ करें आप। और थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन जो ट्रैवलर हैं और जिनको एडवेंचर का शौक है, तो उनके लिए लाइक ये चीज़ें फिर वैल्यू नहीं रखती। तो यहाँ पे आएं, यहाँ पे आके सिर्फ आप वन नाइट स्पेंड करें, रियली मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत मज़ा आना है, कि आप बोलेंगे कि यार वाकई ज़ुबैर भाई ने कोई जगह प्रेफर की है। रात में गैलेक्सी, और उस गैलेक्सी को देखने के लिए मैं पूरी रात जागता रहा और गैलेक्सी कैप्चर किया। जो अभी मैं पिक्चर्स, मैंने गैलेक्सी की पिक्चर्स ली हैं, वो मेरे व्लॉग में आएंगी, वो देखना आप। और उसके अलावा मैंने कुछ लाइक सुबह सुबह के टाइम पे कैमरे सेट करके वीडियोस बनाने की कोशिश की, जिसमें जो काफ़ी अच्छी बनी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी जो है कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता है, तो बस थोड़ी सी चेंजिंग करके जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता करने, उसके बाद आज का दिन जो है वो हमारा यहाँ गुजरेगा। और इसके अलावा जो यहाँ की डिटेल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़। तो अब जो है हमारा नाश्ते का टाइम है, और अब हम जो है ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री मिला हमें, तो मज़ा आएगा। देखते हैं इनके पास क्या ब्रेकफास्ट मिलता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि इनके पास जो है ना काफ़ी किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, लाइक इनके पास जो हैं काफ़ी किस्म के जो है ना रूम्स अवेलेबल्स हैं, ग्लैम अवेलेबल्स हैं, लाइक स्टैंडर्ड है और प्लेटेनियम है, कोल्ड सफारी है एंड सफारी है। तो ये इनके नाम हैं, डॉम है, जो सबसे एक्सपेंसिव है वो डॉम है, जो प्लेटिनियम है उसका जो रेंट है वो है 36,000 ईच नाइट, और बाकी जो हैं वो छोटे से लाइक स्टैंडर्ड सफारी, ये 26,000, 18,000, 14,000, ये यहाँ पे रेंट हैं इनके। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनके काफ़ी किस्म के, ये देखें ये एक बना हुआ है सफारी के नाम से, ये सफारी है, और ये जो है सफारी है। आई एम डूइंग फॉर व्लॉगिंग एंड शी विल मेक द रील, या सो वो ग्लैम देखें, ग्लैम का जो है झंडा लगा हुआ है, दिस वन, दिस इज सो खैर। ये देखें ये स्टैंडर्ड सफारी है, इसी तरह से जो है ना बहुत सारे हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि इनका एक अदद रेस्टोरेंट भी है, और ये जो है सामने जो है बिल्कुल ये सामने ये डाइनिंग एरिया है, ये डाइनिंग एरिया है, ये इनका किचन है, वो सामने ग्लैम का ऑफिस है। तो हमने डाइनिंग में जाना है,
फूड ऑर्डर करना है और खाना है। तो गाइस वैसे आओ यार इधर, अलग कसम बहुत वाकई बड़ी हसीन जगह है। लुक ये जो है ग्लैम के मैनेजर का रूम है। सॉरी ये जो है गाइस ये वाला देखें आप, ये है इसका नाम है आई थिंक कि स्टैंडर्ड सफारी के नाम से इसका नाम है यार, इनके नाम जो है ना बड़े से, ये इसका रास्ता बना हुआ है और ये है। लेकिन जो सबसे ब्यूटीफुल और सबसे एंटिक है ना वो हमारा डॉम है, बिकॉज़ वो सबसे एक्सपेंसिव है और उसका वो है भी प्लेटिनियम, और वहाँ से नज़ारे भी बहुत खूबसूरत हैं। लोग देखें ये स्कर्दू है पूरा गाइस। चलें सो गाइस ये जो है ये है डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया भी आप देखें कि कितना ब्यूटीफुल डाइनिंग एरिया बना हुआ है कि आप यहाँ पे बैठ के खाना खाएं और बाहर के व्यूज देखें। बाहर के व्यूज देखते देखते कहीं मुझे नहीं भूल जाना, मुझे भी देखना क्योंकि व्लॉगिंग तो मैंने करनी है, तो मुझे भी देखते रहें। और अभी नाश्ता ऑर्डर करते हैं सबसे पहले, अब तो सोए ही नहीं है ना, गैलेक्सी के चक्कर में और सन के चक्कर में हम तो सोए ही नहीं, तो अब हम नाश्ता ऑर्डर करने हैं। सबसे पहले हम आए तो हम अच्छा सा नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद अपने डॉम पे जाएंगे और डॉम पे जाके जो है ना थोड़ी देर आराम करेंगे गाइस, बिकॉज नींद बहुत ज़रूरी है। और कल जैसे कि बताया कि यार वो सफ़ा अपना पैराग्लाइडिंग करने गए थे, तो मौसम की ख़राबी की वजह से जो है पैराग्लाइडिंग कर नहीं सके। तो आज का प्लान भी कुछ ऐसा है कि शाम में जो है पैराग्लाइडिंग करने जाएंगे। तो ये जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ आज का, ये है सिर्फ ग्लैम के लिए, और इन्होंने कोई मुझे पैसे नहीं दिए ताकि, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा सोचते होंगे कि यार ये मार्केटिंग कर रहा है उसको पैसे मिलते होंगे, तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। सही है ना, मुझे YouTube पैसे देता है ना मुझे ये ग्लैम वाले पैसे दे रहे हैं, तो बस ये मेरा शौक है, ट्रैवल मेरा पैशन है। तो एक तो जिम भी मेरा पैशन है लेकिन ट्रैवल भी मेरा पैशन है, तो बस ट्रैवलिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, और फिलहाल नाश्ता करते हैं, आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। गाइस ये ब्रेकफास्ट जो है ग्लैम की तरफ से है, थोड़ा सा मैंने खा लिया। ये देखें एग्स, परांठा, ब्रेड, ओवर इजी इट्स मीन हाफ फ्राई एग्स, जैम, बटर, और खाने दो यार। सो गाइस ये नाश्ता कर लिया हमने, ये रिव्यू मांग रहे थे तो ये एक छोटा सा रिव्यू भी हमने इनको दिया, और रिव्यू देना बनता है यार। ये आपका रिव्यू भाई, किधर गए रिव्यू वाले भाई, ये लें जनाब रिव्यू। और ये है ग्लैम का स्टाफ, क्या नाम है आपका? वजाहत अली सर। वजाहत अली भाई कितने टाइम से ग्लैम के लिए काम कर रहे हो? मैं तकरीबन 4-5 सालों से। और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो आप माशाल्लाह। चलें और ये है ग्लैम का रिसेप्शन, और इनसे मिले ये हैं, ये सबसे अच्छे गाइस जो है ना ग्लैम पे, हमें ये बंदे मिले। अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है? आई होप योर स्टे इज कंफर्टेबल सो फार। आज हम कल रात से जाग रहे हैं, हमने स्टार गाइजिंग करनी थी, व्लॉगिंग करनी थी sir. और इसके रिव्यू बनाने थे, और बहुत अच्छा व्लॉग हमने बनाया इसके लिए, आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पे नजर आएगा इंशाल्लाह सर। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। सो नाश्ता हम कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं वापसी अपने डॉम में, और डॉम में जाके जो है अभी कुछ प्लान ऐसा है गाइस के डॉम में जाके जो है ना सोना, मेरी मिसेस ने सोना है, शी इज़ वेरी टायर्ड। इसको मैंने रात को डेजर्ट पे चढ़ाया, इसको मैंने रात को स्टार्स दिखाए, इसको मैंने सुबह, इससे मतलब मैंने बहुत सारे काम लिए हैं यार। इसने कभी गिव अप नहीं किया, इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि गिव अप नहीं करती, तो मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी ये लगती है, गिव अप नहीं करती गाइस ये। खैर
ये गिव अप कर भी ले तो मैं इसको करने भी नहीं दूंगा. या सो अब हम नाइस इनफ है कि हमें 3 o'clock चेकआउट दे रहे हैं. या उन्होंने हमें एक अच्छा बेनिफिट दिया है. बोला सर जब आपका दिल करे आप चेकआउट करें. तो हम तारों और चांद और सूरज के चक्कर में हम सोए नहीं क्योंकि इन्वायरमेंट ही ऐसा था. तो फिर इन्होंने हमने इनसे कहा कि यही तो खैर बात ये थी कि इन्होंने हमें बोला कि सर जब आपका दिल करे 3 o'clock 4 o'clock 5 o'clock आप चेकआउट करें. तो गाइज आज का जो दिन है ना वो है रेस्ट डे. आज हमने करना है रेस्ट रिलैक्सेशन और शाम को उठेंगे फिर जाएंगे पैराग्लाइडिंग मोटर करने. अगर मौसम अच्छा हो हवा अगर तेज ना हो कल की तरह. फिर पैराग्लाइडिंग करने के बाद हम बताएंगे कि हमने आगे क्या करना है. फिलहाल व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं. अभी जाके सोते हैं. सोने के बाद उठते हैं कपड़े चेंज करते हैं फिर दोबारा कैमरे के सामने आते हैं. और एक और चीज जाते 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 वेट आई वांट टू से समथिंग टू यू. या टेल मी. सो लाइक हम यहाँ स्कर्दू आए हैं ना कोई चीज भी हमने प्लान नहीं की. एवरी डे लाइक यू नो हम प्लान करते जा रहे हैं लाइक स्पॉन्टेनियस. सो यू नो जो प्लानर्स नहीं है लास्ट मिनट पे हम लोग चीजें प्लान कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सीन हो रहा है. और अच्छा मैं क्या दिखा रहा था मैं आपको दिखा ये रहा था कि वो सामने आप देख रहे हैं ना वो सामने जो है ना वो सामने लगे हुए हैं शूटिंग करने के लिए. अगर आप मैं जूम करूं तो ये देखें ये हाउस म्यूजिक वाले हैं और ये लोग जो है ना लाइक गाने शूट कर रहे हैं अपने लिए. अस्सलाम वालेकुम गाइस. गाइस हम लोग बस अभी ग्लैम जो है जहां स्टे किया हुआ था यहां का इसको चेकआउट करने लगे और यहां का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा. बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा यहां का हमारा. और जो पाकिस्तानी भाई या फॉरेनर भाई जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं अगर वो पाकिस्तान एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ऐसी जगहों पर आना चाहते हैं तो उन वो तो सबसे पहले जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जो कि करना भी बनता है यार क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ उसको एडिटिंग करता हूँ एडिटिंग करने के बाद अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ फॉर यू गाइस. सो मिलते हैं फिर. अल्लाह हाफिज बाय. आज इस कर्दू में गर्मी थोड़ी ज्यादा है तो आज जो है ना इस कर्दू में अभी तक मैं वाटरफॉल नहीं गया तो प्लान किया है कि चलो आज वाटरफॉल चलते हैं थोड़ा वाटरफॉल के नीचे यू नो जाके फ्रेश होते हैं. सो अल्लाह हाफिज बाय और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें. अल्लाह हाफिज़.